A very warm good morning to one and all present. Most honorable chief guest of today's program, respected Sri Venkateshwar Prasad Sir, Assistant Commissioner, KKSRO, Guwahati Region, respected Vice Principal KV Khanapada, Sri Bapuram Sir, respected Headmistress KV Khanapada Madam Vandana Das Kaur, respected judges, eminent personality of Assamese film industry who needs no introduction, very famous choreographer of Assam, Sri Uday Shankar, renowned singer and dancer of Assam, very multi-talented Madam Dipali Chetia, renowned actor, come trained classical dancer of Assam who is known across the country, Mr. Rajiv Raj Sir, respected escorts, my loving children. At the very outset, I, Pavita Das, on behalf of the entire fraternity of Kendri Vidyalaya Khanapada, would like to welcome you all in this cluster level 8 Bharat Shreshth Bharat program for group song and group dance competition. The initiative of 8 Bharat Shreshth Bharat program was announced by Honorable Prime Minister Narendra Modi on 31st of October 2015 to commemorate the birth anniversary of Iron Man of India, Sardar Vallabh Bhai Patel. Through this innovative measure, the knowledge of culture, tradition and practices of different states and union different Kendriya Vidyalayas are here for showcasing the rich culture of Rajasthan. And we are going to this through two very efficient forms of expression, dance and song. And these schools are Kendriya Vidyalaya. Thank you.
Thank you, sir. Now I would like to request Vice Principal, sir, to felicitate our respected judges, Shri Uday Shankar. Mrs. Deepali Chetia, Mr. Rajiv Kumar Das, we all are blessed to have your gracious presence. Thank you for spending your valuable time with us. Prakash. श्री वेंकटेश्वर प्रसाद सहायक आयुक्त एवं प्रभारी उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन गुवाहाटी संभाग, समस्त आदरणीय आज के निर्णायक गण, विभिन्न विद्यालयों से पधारे समस्त अनुदेशक एस्कॉर्ट्स, समस्त शिक्षक साथियों और बहुत ही प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज के इस शुभ अवसर पर मुझे आप सभी का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये गौरव की बात है और वो भी ऐसे एक इतने बड़े कार्यक्रम के बीच। तो सर्वप्रथम मैं हमारे परम आदरणीय सहायक आयुक्त महोदय और प्रभारी उपायुक्त महोदय का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहां उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा दिया और हमारी खुशी को दुगना कर दिया। मैं हृदय से सिर्फ आपका स्वागत करता हूं। प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया, इसमें सर्वप्रथम इस वन ऑफ स्किल्स
वाइब्रेंसी ऑफ ए कंट्री एंड प्रमोट नेशनलिज्म. इट फोकसेस ऑन इनकल्केटिंग सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन द सिटीजंस ऑफ इंडिया. प्रोग्राम को देखने का मुझे अवसर दिया. बच्चों, जैसे यहां पर बोला जा रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का शुरुआत किस तरह से हुआ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस का दिन मनाया जाता है, जो कि 2014 में शुरू हुआ था और 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राष्ट्रीय एकता पर्व का नाम रखा राष्ट्रीय एकता दिवस के ऊपर. राष्ट्रीय एकता पर्व के अंतर्गत दो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत और कला उत्सव. जैसा कि आपको विदित है कि ये प्रोग्राम विद्यालय स्तर से लेकर संकुल स्तर तक, फिर संकुल स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक और उसके बाद राज्य और नेशनल स्तर तक जाता है कार्यक्रम. आगे जाकर ये कार्यक्रम को एनसीईआरटी संचालन करती है. मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है ये बताते हुए आप सभी को कि मैं अभी जिस स्टेट में रहता हूं वो स्टेट का नाम है गुजरात. मैं आंध्र प्रदेश का निवासी हूं, मेरा जन्म झारखंड, पहले बिहार के रूप में जाना जाता था, वहां हुआ है. मेरा पढ़ाई उड़ीसा में हुआ, मेरी नौकरी आसाम में लगी थी, मेरी शादी एक मराठी लड़की से हुई थी. तो आप सोच सकते हो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत मेरे घर में ही है. जिसमें कोई लड़ाई, वो हिंदू मुस्लिम सब एक समान, ऐसा एक भारत हम बनाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाए. जब आपका नाम बंधन सब जगह मिलकर एक समान, ऐसा बने मेरा भारत महान. धर्म की ना हो जहां राजनीति, विकास पर ही हो राजनीति, ऐसा एक नया भारत हम बनाए. आओ हम सब अपना एक ध्वज बनाए. शिक्षा का हो प्रसार जहां, अनपढ़ ना हो कोई जहां, कोई दूसरे ना बनने पाए, किसान मजदूर हो खुश जहां, ऐसा एक इंकलाब ले आए. आओ सब एक नया भारत बनाए जिसकी माने पूरी दुनिया, शांति का संदेश सुन लाए. कोई भी कानून से जहां बचने ना पाए, काला धब्बा के देश में आए, औरतों का लाखों शोषण जहां, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाए, हर व्यक्ति को उसका हक दिलाए, ऐसा खुशहाल भारत बनाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाए. धन्यवाद. और ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री वेंकटेश्वर प्रसाद सर, असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस वाटी रीजन, ऑल द रिस्पेक्टेड जजेस ऑफ दिस इवेंट, रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर एट स्कूल, और चीफ गेस्ट श्री वेंकटेश्वर प्रसाद सर, असिस्टेंट कमिश्नर वाटी रीजन. प्रदर्शन किया गया है. धन्यवाद.
भारत सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता आरंभाय आज मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता आरंभाय सुप्रसिद्ध लोक नृत्य प्रस्तुत करवा जा रहा हूं।
Thank you.
Sanita Bhattacharya, Senior Radio Artist, and Mrs. Kanta Devi, Senior Radio Artist and Principal Mata Mata Sangeet Kalan, Facebook. Thank you, sir. Before we go ahead with the good song competition, I would like to brief all about the rules and regulations. Duration of the group song will be 4 to 5 minutes, including the announcement. The announcement should not be more than 15 seconds. The number of participants allowed on the stage is 6 to 10, with 5 persons including the music teacher for background music. The group song may be in the language of the state allotted to the region, that is Rajasthan. The theme of the song may be patriotism, national integration, social cohesion, youth, a woman.
Come on.